यहाँ के धोबी जब कपड़े धोते हैं तो आवाज लगाते हैं, छी हो राम है। गंगा जी का घाट बहुत प्रसिद्ध है ना, तो गंगा जी के घाट पर धोबी लोग कपड़े धोने भी ले जाते हैं, आवाज क्या लगाते हैं, भगवान को याद करते जाते हैं और मुख से बोलते जाते हैं छी हो राम, धंधे से हमको छोड़ाओ। कौन कहता है धंधे से छुड़ाओ, प्रजापिता या शिव बाबा है, ये कौन कहता होगा है? प्रजापिता शिव बाबा तो उसको तो कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, उसको कुछ अच्छा लगे या बुरा लगेगा कोई पार्ट बजाते समय, नहीं लगेगा। और दस वर्ष से रहने वाला एक ध्यान में जाती थी, दूसरी टीचर बनकर बैठी थी मामा बाबा को भी फिर कराती, माना उस वक्त मामा बाबा तो ब्रह्मा और करते और ध्यान में जाने वाली छोटी माँ है, छोटी माँ, छोटी माँ है ध्यान में जाने वाले के लिए थोड़ा ही बोला, सिर्फ ध्यान में जाने वाले के लिए थोड़ा ही बोला, डायरेक्शन देने वाले के लिए बोला, उनमें बाबा प्रवेश करते थे ये भी बोला साथ में, उनमें माना एक भाई और एक माता, उनमें माने कोई दो थे जिनमें बाबा का प्रवेश होता था। हाँ जी कल्याणकारी क्रिया के समय शिव का प्रवेश का राम में है, तो उस वक्त राम राम ही रावण कैसे बन सकता है, उस समय की बात ही नहीं है। राम को रावण तब बनने की जरूरत है जब सारी दुनिया बड़े बड़े रावण तैयार हो जाएं, लंका में 52 गज के 53 गज के, पापियों की संख्या जब बहुत बढ़ जाती है, तो जब अति हो जाती है तब बढ़ती है या बीच में या पहले ही बढ़ जाती है, अति तो अंत में होगी, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। रावण बनकर क्या हासिल करना चाहते हैं? वो रावण का भी बाप है या नहीं है, तो फिर वो रावण की बच्चे है ना, उनका भी रहना, उसका भी कल्याण कर देता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, जीवन मुक्ति नहीं होती, मुक्ति हो जाती है। हाँ और याद होते हैं ना, रुद्रमाला के मण के अंत में विजय माला में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के लिए उनको विकारों पर पूरी विजय चाहिए, रुद्रमाला को विकारों पर जब तक पूरी विजय नहीं होती है तब तक विजय माला में ऐड नहीं हो सकते।
पांच एकड़ में भेजे पांच एकड़ में जिसकी विकारों पर विजय होगी उसकी परख ये होगी कि जो भी सामने आएगा वो ही कन्वर्ट हो जाएगा। पारसनाथ का मिसाल, बोलने की जरूरत नहीं, कोई कर्मेंद्रियों से प्यार देने की जरूरत नहीं, दृष्टि का फोर्स भी देने की जरूरत नहीं, वाइब्रेशन से ही परिवर्तन हो जाएगा। इसी के आदि में बाप के तरफ सभी शुरू से बच्चे चले गए ना, आगे आगे तो अंत में चले जाएगा। आदि तो अंत होता है ना, बिल्कुल होगा नहीं तो ये माला कैसे बनेगी। अरे जगन्नाथ जगन्नाथ की भुजाएं होती हैं क्या? ब्रह्मा की हजार भुजाएं होती हैं, क्योंकि प्यार मिलता है, दुनिया प्यार के ऊपर मरती है। सच्चाई के ऊपर मरती है क्या? सच्चाई के ऊपर नहीं मरती। बाबा तब तो पूरा ज्ञान नहीं था, अभी तो पूरा ज्ञान नहीं। अब पूरा ज्ञान कहाँ है सब में? पूरा ज्ञान है कि अधूरा ज्ञान है? अब तो एक की बात, वो तो अकेले वो तो अटल है, वो टलने वाला है क्या? वो तो है ही ध्रुव तारा। और बाबा ने कहा कि बाप के नाम के बाद बच्चों का नाम आता है या अंतंश बोल के, अंतंश बोल के पहले बाप का नाम फिर बच्चे का नाम शेखर आए। ऐसे ही भक्तमाल के शास्त्र में अंजनी पुत्र गांगे माता के नाम आया ना, अंजनी कौन है? अंजनी पुत्र बोल के हनुमान को कहा, ऐसे गांगे भाई तो है ना, गांगे बोल के आए गंगा का पुत्र को। वैसे ही कौशल्य शुक्र कौशल्य पुत्र राम बोल के जो शास्त्र लिखे हुए हैं वो मनुष्यों के लिखे हुए हैं या भगवान के लिखे हुए हैं? तो शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिखी है, जिन्होंने भगवान को आगे नहीं रखा, भगवान को आगे न रख के भगवती को आगे बढ़ा दिया। कोई भगवती के भक्त है, कोई भगवान के भक्त है, तो जो भगवती के भक्त होंगे वो क्या करेंगे? तो वो भगवती को आगे करेंगे। गणेश जी किसका पुत्र था? पार्वती का पुत्र था। तो गणेश जी को जो प्राप्ति हुई है वो किससे? बाप से ज्यादा प्राप्ति हुई या माँ से प्राप्ति हुई? ये सब देवी के भगत हैं। देहवान भरा हुआ है इनके चित्रों में, इनके चरित्र में भी देहवान भरा हुआ है, तो नाम में देहवान क्यों नहीं होगा? जब ब्रह्मा कुमारी हैं, अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये कह सकती है, तो उनकी जो भी औलाद होगी वैसी होगी। है रावण आपके लिए सौदा चाहिए है? हाँ हाँ, रावण की आत्मा, रावण की आत्मा जब जब उसकी मुक्ति होती है तो वो लिंग रूप धारण करती है या नहीं? लिंग माना हाथ पांव नाक आंख कान का याद न रहे, शालिग्राम बन जाए। और हाँ जी, विष्णु चतुर्भुज में जो चार भुजाएं, हाँ जी, उसमें
बताया कि जो संगा भी लक्ष्मी नारायण थे, जो सत्य भी लक्ष्मी नारायण। हाँ जी हाँ जी। और बीच में जो है वो चुनाव चलाने वाला, बीच में क्या जो सर है वो चलाता है भुजाओं को, है बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो भुजाओं को चलाने वाली है। हाँ संगम युगी लक्ष्मी नारायण। हाँ लक्ष्मी नारायण को जिसको महालक्ष्मी कहा जाता है उसमें कौन कौन सी आत्माएं हैं? महालक्ष्मी में लक्ष्मी और जगदम्बा है ना, तो लक्ष्मी को जगदम्बा कंट्रोल करेगी या जगदम्बा को लक्ष्मी कंट्रोल करेगी? ज्ञानी आत्मा भक्त आत्मा को कंट्रोल करती है या भक्त आत्मा ज्ञानी आत्मा को कंट्रोल करती है? वो भुजाएं मिलकर के एक होंगी ना। जब महालक्ष्मी कहा जाता है इसका मतलब दोनों लक्ष्मी मिलकर के एक हो गई ना। तो जो जगदम्बा है उसमें नारायण की सारी ताकत आ जाती है, राज करेगा खालसा। जब ये दादियां राज कर सकती हैं तो वो राज नहीं कर सकती? हाँ यूनिटी से यूनिटी बनती है। हाँ जी। तो बंदर होते हैं ना, बंदर बंदर हाँ, उनको एक को मार दिया तो नदी आ जाएंगे, यूनिटी एक हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन उनमें विकार होते हैं ना बाबा, हैं विकार होते हैं ना। हाँ तो यूनिटी कैसे आई? यूनिटी उनमें इस तरह आती है कि जो भी बंदर होते हैं वो राम की सेना के बंदर कहे जाते हैं, रावण की सेना के नहीं कहे जाते। किसकी सेना है? राम की सेना है। ये राम की सेना होने मात्र से ही उनमें यूनिटी है। और जो राक्षस है वो मनुष्य है, रावण की सेना है, फिर भी उनमें यूनिटी नहीं, आपस में ही लड़ मरते हैं। लड़ मरते बंदर भी हैं लेकिन जब बाहर से अटैक होता है तो सारे बंदर एक हो जाते हैं, इसलिए बाहर का आक्रमण वो नहीं सहन कर सकते। एक जाति चाहिए। हाँ एक धर्म चाहिए, एक मत चाहिए। कहाँ से सीखा उनको, किसने सिखाया? राम बाप ने सिखाया है। अरे जो स्थूल बंदर की बात है वो यहाँ की बात है, ह्यूमन बंदरों की बात है। ह्यूमन बंदरों को अलग समझते क्या है? बड़े बंदर बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे काले मुंह वाले हो चाहे लाल मुंह वाले हो, है हाँ। बाबा बिहार के चित्र में गंगा जी को बैठा हुआ दिखाया। हाँ जी। इसमें आत्माएं सामने जा रही है। और इसी क्षेत्र में ब्रह्मा ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा को दिखाया है, उनके साथ में भी आत्माएं जा रही है। एक में दो, एक में एक। जो झाड़ का चित्र है उस झाड़ के चित्र में जो ऊपर शंकर को दिखाया गया है वो सब धर्म पिताओं का पिता दिखाया गया है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले चक्कर नहीं घुमाते हैं पूरा। सच्ची चक्कर घुमाते हैं क्या?
उनके 84 जन्म क्लियर होते हैं क्या? झाड़ का चित्र है विदेशियों के लिए और शशि चक्र का चित्र है किसके लिए? स्वदेशियों के लिए। इसलिए वहां मम्मा बाबा दिखाए गए हैं, स्वदेशी माने प्रवृत्ति मार्ग वाले। और है ना के बराबर 20% चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, उनमें भी चंद्रवंशी ऐसे हैं जिनमें दूसरे दूसरे धर्म वाले भी घुसे हुए हैं। पक्के स्वदेशी हैं सूर्यवंशी 10%। हाँ जी। और हैं पहले जन्म के? हाँ, 9 लाख में प्रजा भी होगी। नौ लाख में 4.5 लाख तो ऐसे होते हैं जो उनका शरीर ही नहीं रहता, वो एडवांस ज्ञान ही नहीं उठाते शरीर से, तो शरीर की प्योरिटी कैसे धारण करेंगे? वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, शरीर फिर भी धारण करना पड़े, लेकिन वो पार्ट नहीं बजा सकते जो अव्वल नंबर है, फर्स्ट डायनेस्टी बजाती है वाइब्रेशन का पार्ट। इसलिए उनकी इतनी प्योरिटी नहीं है, किनकी? जन्म लेने वालों की, प्रवेश करने वालों की। वो फरिश्ता तक रह सकते हैं जो जन्म देने वाला है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, ज्यादा ज्यादा प्योरिटी को पालन करने वाले वो होते हैं जो वाइब्रेशन से संतान पैदा करते हैं। उनको दृष्टि की भी जरूरत नहीं। कोई आस नहीं। जैसे भक्तों को आस होती है ना, आस होती कि नहीं? भक्तों को आस होती है, आशिक मासूक की आस होती है। कवियों ने कविता बना दी है, कागा सब तनु खाइयो, चुन चुन खाइयो मास, दो महीना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। ये भक्तों की चीज है या ज्ञानियों की चीज है? है, ये तो भक्तों की बातें हैं, ज्ञानियों के लिए ये बात नहीं है। ज्ञानी के लिए इच्छा मात्र अविद्या, आंख की भी इच्छा नहीं, आंख का भी सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं। हाँ जी, ब्रह्मा के पूरे हो गए। हाँ जी, पूरे हो गए। हाँ जी, दोनों मूर्ति तो प्रत्यक्ष थी, साल का पीरियड है, ये भी शुरू हो चुका है। तो विष्णु विष्णु नहीं प्रत्यक्ष हो रहे हैं? हैं, है ना? लो सुनो भाई, विष्णु प्रत्यक्ष हो गया इनके लिए, आप पहचानो। प्रैक्टिकल में विष्णु आ गया, नजरों के सामने है। कौन है विष्णु? हमको भी परिचय दे दो। हैं? तो विष्णु का परिचय हमको भी दे दो। नहीं देना है? तो उदाहरण हो सकेगा ना पापा की, जैसे नेवर की सौगंधी। हाँ हाँ, तो नेवर की सौगंधी पालन हो सकेगा। कौन करेगा? विष्णु करेगा। लेकिन वो विष्णु, वो विष्णु फाउंडेशन वाला विष्णु होगा या असली विष्णु होगा? बीज रूप आत्मा है, फाउंडर है, फाउंडेशन जमाने वाली है, या ऊपर मकान जब आता है तब वो दिखाई पड़ता है संसार में? ये
एक होता है मकान का फाउंडेशन डालना और एक होता है मकान फाउंडेशन पड़ गया पहली मंजिल तैयार हो गई तो संसार को दिखाई पड़ती है। तो बीज रूप आत्माएं हैं फाउंडेशन डालने वाली। बीज रूप आत्माओं के अंदर सूर्यवंश का भी बीज है कोई 100% और चंद्रवंश का भी कोई बीज है 100%। ये दोनों मिलकर के अव्यक्त वाणी में बोला माँ बाप नई दुनिया तैयार हो गई तुम। हाँ हो गई बोला अव्यक्त वाणी में तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। नई दुनिया माने क्या? नया संगठन। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, अष्ट देवों से ही बोलते हैं वो ही आना जाना करते होंगे। हाँ फिर कौन से विष्णु हुए? अब उन आठ में कोई पालना करने वाले भी होंगे जो परमानेंट रहते होंगे। टेम्परेरी कैसे पालना करने वाले? सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे पहले? अरे जो अष्टदेव हैं वो आखिरी जन्म में जाकर के सब धर्मों में गिरते हैं ना, तो उनमें निमित्त कौन बनेगा पालना करने के? शुरुआत में जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी का बीज होगा वो ही बनेगा ना, तो वो है पालना करने वाले। और बाकी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वो है पालना लेने वाले। अष्टदेव में भी वो तो सूर्य की पक्के हैं, वो तो माँ पहले मानेंगे और किसी को माँ नहीं मानेंगे उतना। वो कहेंगे सूर्यवंशी हमारी माँ है जो अगतवाणी में बोला माँ बाप। तुम कैसे समझे बैठे हो तो बता दो। आपने किसे बताया? किसे समझे बैठे? वो तो अभी बताया, इससे पहले किसको समझे बैठे थे? पुरुष होना चाहिए विष्णु, वैष्णो देवी नहीं होती है। वैष्णो देवी विष्णु नहीं होती है। स्त्री रूप आगे है तो वैष्णो देवी है, पुरुष रूप आगे है तो विष्णु है। शंकर जी के ऊपर जब भी कोई मुझे बताया तो कौन ने बताया? जिसके ऊपर छत्र छाया शिव की हो उसके ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है? हैं? जिसके ऊपर छत्र छाया शिव की हो जाए वो कोई भी मुसीबत को मुसीबत समझेगा, परेशानी समझेगा? ये सब चरित्र है दिखाने के लिए जो बाबा ने बोला है। बाप इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ, तो क्या विदेशी है? नहीं है ना, वो सिर्फ पार्ट बजाता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन किसके लिए रुके हुए? भस्मासुर जैसे बच्चों के लिए भी रुके हुए हैं। अरे नारी का दिखाया तो है तो उसकी घरवाली है। घरवाली का काम क्या होता है? घरवाली जो है उसका जो काम है वो करेगी नहीं है? पति के ऊपर कोई हमला करता है तो घरवाली देखती रहेगी क्या? और ब्रह्मा तो विष्णु बनने का क्षण नहीं आता है। जो भी बनने वाला है वो साकार में है ना, जगदम्बा साकार में ब्रह्मा नहीं है। यज्ञ की आदि में ब्रह्मा नहीं थी? पहला ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा बने बगैर प्रजापिता था क्या? तो फिर आदि में भी ब्रह्मा था, आदि ब्रह्मा अंत में भी वो ही ब्रह्मा है। हाँ जी हाँ जी।
हाँ बोला होना चाहिए बिल्कुल हाँ? हाँ कोई चोर घुस गया होगा कोई चोर घुस गया होगा तो जिस जो चोर घुस गया उसको लोगों ने विष्णु समझ लिया है ना किसको किसको आ जाना चाहिए जगदम्बा को कहाँ आपके पास है यज्ञ कौन है यज्ञ पिता कौन है तो यज्ञ पिता जो होगा उसके पास तो होगी उसके इशारों पर ही काम कर रही होगी किसी की घरवाली चली जाए परिवार है बहुत बड़ा घरवाली थी संभालने वाली पूरे परिवार को और वो चली जाए उसे चोर उठा ले जाए कोई किडनैप कर ले जाए तो घरवाले की चिंता नहीं हो जाएगी हो जाएगी ना यहाँ कोई चिंता दिखाई पड़ती है क्या है दिखाई पड़ती है अरे बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में कर्नाटक जोन को ये सारी एडवांस पार्टी कर्नाटक जोन है बंदर हैं बंदर आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे बाहर से कोई हमला होगा तो सब मिलके एक हो जाएंगे ये कर्नाटक जोन को जो पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर मिले हैं युगल टीचर अव्यक्तवाणी में बोला बहुत वंडरफुल मिले हुए हैं तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे बाबा ने बोला मुझे तुम्हारी तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे हैं क्या दिखना चाहिए जिसको जिसको आंखें होंगी जो सूर्यवंशी होंगे उनको तो सब कुछ दिखाई पड़ता होगा अंधे की औलाद अंधों को क्या दिखाई पड़ेगा वाह जगदम्बा को पूजने वाले बाबा बोलते थे अब नहीं बोलते हैं अब नहीं बोल रहे हैं क्या पहले भी बोलते थे देवी को पूजने वाले हैं रावण संप्रदाय क्यों अकेले देवी को पूजते हैं जब पूजते हैं तो क्यों करते हैं जय माता दी पिताजी क्यों भूल जाता है नाम क्यों नहीं आता रावण क्या करता था रावण सीता के पास जब जाता था सर नवाने के लिए तो क्या करता था राम को दूर कर देता था ये रावण संप्रदाय की गति है अलग करने की माँ को अलग करेंगे बहन को अलग करेंगे बेटी को अलग करेंगे अपना काम बनाना है ना उनके लिए माँ माँ है सबसे ज्यादा प्रकृति का पोल्यूशन जो है विदेशियों ने किया है या स्वदेशियों ने किया है किसने किया है प्रकृति का पोल्यूशन विदेशियों ने किया है ज्यादा या भारतवासियों ने किया है प्रकृति माने माता प्रकृति के पांच तत्वों में प्रधान है पृथ्वी पृथ्वी माता माने जगदम्बा उसका ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन विदेशी दूसरे धर्म वालों ने किया है या स्वदेशी ने किया है विदेशी वाले करते हैं कर रहे हैं पोल्यूशन करने का तरीका यही है बाप को अलग कर दो माँ को अलग कर दो फिर आक्रमण करो माया क्या करती है माया भी अकेला करती है और हैं क्यों नहीं होगा हैं नंबर हैं
जगदम्बा का भी युगल छोड़ा, विजय माना था आने वाले, तो फिर एक देवी ने कहा जगदम्बा चैली छोड़ने वाला। तो क्या हुआ, जो भी दूसरे धर्म के हैं उनको चोला नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो नई दुनिया आएगी उसमें सिर्फ सूर्यवंशियों के सामने झुकने वाले रहेंगे या न झुकने वाले भी रहेंगे? कौन रहेंगे? हैं? झुकने वाले रहेंगे। जो और धर्म वाले होते हैं वो तो कभी कन्वर्ट होते ही नहीं है। क्रिश्चियन कभी कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं? मुसलमान कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं? बौद्ध धर्म वाले कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं? नहीं बनते। ऐसे ही जो और धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, सिर्फ विजय माला के मणकों को छोड़ करके कोई कन्वर्ट नहीं होते, पक्के बीज हैं। है? पूरा ज्ञान हो तो फिर ये बात क्यों बाबा बोले? बाप के साथ रहने वाले बाप को नहीं पहचान पाते? जो बाप के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा मिलन मेला मनाते हैं, वो ही बाप को नहीं जानते? उनका मेला मनाया जाता है। कारण क्या बाबा? कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? दिमाग नहीं। प्रकृति, जड़ बुद्धि, जड़त्वमयी, वो पार्ट है उनका, पांच तत्वों का पार्ट बजाने का। रावण फिर भी अंदर से जानता था। किसको? राम को जानता था रावण, अंदर से जानता था। हाँ, बाहर से नहीं मानता था, जानबूझ करके आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी गांधारी ने। अंधी थी नहीं, अंदर से समझती थी, दुनिया को दिखाने के लिए पट्टी बांधी हुई थी कि मैं कुछ नहीं जानती। अरे सन 73 से जब से एडवांस की बातें शुरू हुई है तब से लेकर के सारा रजिस्टर्ड पोस्ट से लिटरेचर माउंट आबू में पहुंच रहा है। तो वो ज्यादा जानेंगे कि बाहर वाले ज्यादा जानेंगे? अभी भी जो भी लिटरेचर बन रहा है, जो भी कैसेट तैयार होती है, जो भी सीडी तैयार होती है, वहां पहले पहुंचाने वाले पहुंचा देते हैं। वो खूब चोर बाजारी करते हैं, अंदर अंदर दीदी दादियां भी मिलकर के कमरा बंद करके आपस में सुनती हैं। और तो मुसलमान धर्म की शूटिंग करनी है फिर क्या है? अल्लाह अकबर, कान में उंगली दे लो। हाँ जी, संबंध ब्रह्मा का पुरुष चोला था ना, दुर्योधन दुशासन वाला चोला था। जगदम्बा का शरीर टूटने के बाद भी 14 दिन तक देवी के रूप में पूजा जा रही। हाँ जी, 84 घंटे वाली देवी की पूजा भी कौन करते हैं? राम संप्रदाय वाले करते हैं या रावण संप्रदाय वाले करते हैं? हाँ जी, रावण हमेशा भी विचारी पूजा वाला रहता है। एक तरफ शिव की भी पूजा करता है और दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करता है। और माताएं सब चुपचाप होके बैठ गई क्या बात? हाँ, रामवाली व्यक्ति ने ब्रह्मा की नरेश था, रामवाली व्यक्ति ने ब्रह्मा की नरेश था, जब बंदा बंदा जन्म लेगा। हाँ, राम वाली आत्मा में ब्रह्मा की प्रवेशता, जब वो बच्चा बनकर जन्म ना लेता तब तक प्रवेश करना जारी रहेगा।
मैंने उससे पहले उसको धर्मराज का पाठ बजा देना, ठीक है। और जिन बच्चों ने उसको धोखा दिया है, उसने प्यार दिया है, उन्होंने प्यार के रिजल्ट में उनको दिल को मार दी है, तो हिसाब किताब नहीं पूरा करेगा, कैसे करेगा? धर्मराज जी पाठ बजाएगा, भले कोई प्रवेश करके पाठ बजाए। शरीर धारण करा के सजा दूंगा, हैं? हाँ हाँ जी। और जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना, हैं? हाँ, तभी तो सूर्यवंशी कृष्ण के बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, हैं? सभी को पालना कैसे करते हैं? हाँ, जो तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलती है, सुनो तो, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, माना जो काम कृष्ण की सोल ने किए वही कार्य क्रिश्चियंस या क्राइस्ट की सोल भी करती है, वही गुण दिखावे वाले पंप एंड शो वाले जो कृष्ण के होते हैं वही क्राइस्ट में होते हैं या नहीं होते हैं? इस्लाम अलग चीज है, क्रिश्चियंस लास्ट में आता है और इस्लाम फर्स्ट में आता है, अंतर नहीं होगा। हाँ, और अब समझो बाप को क्या पसंद है, जो तुमको हो पसंद वो ही काम करेंगे, बाप को क्या पसंद है? हाँ, बाप जब बाप के रूप में पाठ बजाता है, शंकर के रूप में प्रवेश करता है, तो भक्ति मार्ग में शंकर को कौन सी नगरी प्रसिद्ध प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। शंकर अलग है और शिव अलग है, शिव और शंकर एक ही पर्सनालिटी है या दो पर्सनालिटी है? शिव की पर्सनालिटी को आप अलग कैसे साबित करेंगे? रूहानी बाप तो है, लेकिन रूहानियत के आधार पर रूहानी बाप है या रूहानियत हो ही नहीं और रूहानी बाप हो जाएगा? एवर प्योरिटी हो नहीं और एवर प्योरिटी वाला साबित हो जाएगा? 32 किरण दिखा दी तो क्या बिंदी की 32 किरण होती है? 32 गुण होते हैं, गुण अवगुण तो नहीं होते हैं बिंदी में, वो तो साकार शरीर में आएगा तभी गुण अवगुण वाला बनेगा। और बाबा बच्चे हैं और जी, प्रजापिता अलग कैसे हो गया? क्यों, वो सारी प्रजा का पिता नहीं है? जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, लेकिन सारे ब्रह्मा जितने भी ब्रह्मा जिनके भी नाम है वो सारी प्रजा के बाप है क्या? नहीं, वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के ही बाप है, प्रजापिता तो सबका बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है।
जब तक सबका उद्धार न हो जाए तब तक वो इस सृष्टि से वापस नहीं जा सकता, उसकी जिम्मेवारी है। हाँ जी, बनाने वाला एक लाख सोलह कर देंगे ना, लेकिन शास्त्र में राजा शरद के बच्चे 60,000 कहते हैं क्यों? 60,000 रोजा राजा सगर के पुत्र बताए गए हैं, वो हैं जिनको साप मिला था। क्यों मिला था? अहंकार में आए थे। अगर अहंकार में ना आते तो उनको साप नहीं मिलता। जैसे 64 जोगिनियां हैं ऐसे ही 60 का हिसाब भी है। ऐसे तो शास्त्रों में लिख दिया है, बाबा ने तो सिर्फ इशारा दिया है। 60,000 पुरखे कहाँ की बात है? है नहीं नहीं स्थान कौन सा है? कपिल मुनि आश्रम कहाँ है? कंपिल, या तो कपिल मुनि के नाम से कलकत्ता प्रसिद्ध है या तो कंपिल नगर प्रसिद्ध है। तो कंपिल नगर की बात है, अभी तो 15,000-20,000 ही हुए हैं। ज्ञान सागर के पुत्र अभी कितने हुए हैं जिन्होंने एडवांस नॉलेज लिया है? हैं? हैं? 15,000-20,000 अभी कितने होने हैं? 60,000 होने हैं, और सारे ही जल मरेंगे काम विकार की आग में। आत्मा कोई चीज है नहीं, मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहा जाता है। हाथ पैर बात करना, हिंदी को याद करना वो अधियोग है। हाथ पैर बात करके बैठे स्थिति में बैठना वो तो अधियोग हुआ। क्यों? मन बुद्धि और संस्कार को ही आत्मा कहा जाता है ना। हाँ, मन बुद्धि संस्कार को आत्मा कहा जाता है, लेकिन वो मन बुद्धि संस्कार किसमें है? वो रिकॉर्ड का रूप क्या है जिसमें मन बुद्धि संस्कार भरे हुए हैं? जैसे रिकॉर्ड में गीत बजे होते हैं या कोई की वाणी भरी हुई होती है ना, तो ऐसे ही ये रिकॉर्ड कौन सा है, उसका रूप क्या है? हैं? सालिग्राम इतना बड़ा है, छोटी तो कितना है? छोटा सा छोटा आकार वाली चीज कौन सी होती है, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट का छोटे से छोटा आकार हो सकता है। चावल के ऊपर लोग गीता लिख देते हैं पूरी, इतनी बड़ी गीता 18 अध्याय की, उससे सारे श्लोक चावल के ऊपर लिख देते हैं। उसे यंत्र से बैठ करके पढ़ो और पढ़ने में भी आता है, एक ही दाने में। तो ये तो वंडरफुल चीज है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो उसको उड़ा देंगे? माने कंसंट्रेशन की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए? ऐसी नहीं, कोई बात नहीं। कर्मयोगी बनना है बोलते हैं। हाँ, कर्मयोगी बनना है। अमृत वेला कैसा? पहले जो योग की प्रैक्टिस किया था, हाँ, तो फिर उसको कैसे किया करना चाहिए? अपने को आत्मा समझ के बैठ करके ही करना पड़ेगा। बैठ करके ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बैठ करके ही करना। चलते फिरते करो, कोई काम करने लगो। क्या कारखाने नहीं चलते हैं अमृत वेले? दुनिया में कारखाने अमृत वेले नहीं चलते हैं? चलते हैं, तो हम कोई काम नहीं कर सकते? जब काम होगा तब तो होगा, जब काम नहीं होगा तब कैसे? ऐसा कोई टाइम छोड़ो ही नहीं जो माया खाए।
हाँ जी ममता वंश से आने वाली बुढ़िया है ना, इसके बारे में एक प्रश्न है। बाबा ने कहा कि कराची से बोली निकली वो तो 47-48 का होता है, फिर जब ममता वंश में आया तो परिवार सबसे बुढ़िया निकली। नहीं, उस समय साइक्लो स्टाइल होने लगी, उस समय जो बहनें बाहर गई उनको भी वो माल मिलता रहे, इसलिए उसकी लिथो कापियाँ होती रही। और उससे पहले जो है वो उसकी कापी बनाई जाती थी, वो बच्चों को दे दी जाती थी, उसका रिवाइज करो बस वहीं की वहीं। हाँ, 5-6 साल का स्टॉक मिल रहा है, पुरानी जो गीता पाठशालाएं हैं वो भी कुछ भेजते रहते हैं नया, तो वो 5 साल में ऐड होता रहता है। 13 साल का तो बच्चों को मिलना चाहिए ना, कहीं ना कहीं निकलेगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर निकलेगा। अरे सच्चाई दबी रहेगी क्या? अच्छा बाबा, प्रोसीजर कभी बोलता है कि जो योग व्यक्ति के लिए वो उसे कर पाएंगे, ठीक है? कभी कभी बोलता है कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए वो बच्चा बनते हैं। ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने क्या? हाँ, अरे ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने जानकारी। अगर बाप की जानकारी नहीं होगी तो याद क्या करेगा? जानकारी होगी तभी तो याद करेगा, और जितनी गहरी जानकारी होगी उतना ज्यादा याद करेगा। मुख्य किसको माना जाए? ज्ञान, पढ़ाई को। भगवान ऊपर से आता है तो क्या लड्डू पेड़ा लाता है कि धन संपत्ति लाता है? क्या लाता है? है ज्ञान ही लाता है। तो भगवान की जो देन है उसकी पहले हमें कदर नहीं करनी पड़े? योग तो बाद में लगेगा, 1968-69 तक और 76 तक ज्ञान मिला हमको। क्या मिला? है एक गीता ही आई ना हमारे सामने, लेकिन उससे फायदा तो नहीं हुआ कुछ। हाँ जी, हाँ गीता और मुरली का अंतर क्या? गीता और मुरली का अंतर क्या? गीता माने संस्कृत की गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता है मनुष्यों की लिखी हुई, और जो सच्ची गीता मुरली है वो भगवान ने बोली है, बोली है भगवान ने, लेकिन उसमें नाम डाल दिया दादा लेखराज पिताश्री का, इसलिए वो झूठी गीता हो गई। मुरली भी झूठी गीता हो गई। वो हद की गीता और ये बेहद की गीता। हाँ जी, कोई भी काम करते वक्त बाबा का आता हुआ चेहरा दिखता है तो याद कर दिया जाएगा, वो दिखाई पड़ता है। काम करते बाबा का चेहरा याद आए तो वो याद नहीं है क्या? याद तो वो भी है, लेकिन सिर्फ चेहरा ना याद रहे, चेहरे के साथ साथ क्या याद रहे? हाँ, वो सुप्रीम सोल भी याद रहे। बाबा ने कहा ना, डब्बा याद आए तो हीरा भी याद आए, डिब्बा याद आए तो हीरा भी याद आए। आएगा, लेकिन याद आता है, ऐसा तो नहीं है कि याद करने वाले राम और कृष्ण में ही फंस जाते हैं। भाई ये भी कहा है ना, जाते प्रेम पुरका है नारायण को याद करना, तो भी वो नारायण वाला चेहरा जो है ना। हाँ है तो नारायण वाला चेहरा, लेकिन नारायण वाला जो चेहरा है वो इस समय संग का रंग लेने वाला चेहरा है या फाइनल चेहरा है? बाबा ने कहा है शिव की प्रवेशता होने के कारण ज्यादा देर संग का रंग नहीं रहता, है ज्यादा देर तक
क्योंकि व्यवस्था होने के कारण संग का रंग ज्यादा समय तक नहीं रहता। ज्यादा समय तक नहीं रहता, ज्यादा नहीं रहता। किसमें? जो भी नारायण वाले व्यक्तित्व है, राम वाले व्यक्तित्व है, उसमें संग का रंग ज्यादा नहीं रहता, ज्यादा समय तक नहीं रहता। आपके अंदर ज्यादा रहता है, औरों के मुकाबले तो ज्यादा रहता है, औरों के मुकाबले जब ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों का संग का रंग उसे ज्यादा लगता है कि और सामान्य व्यक्तियों को ज्यादा लगता है? प्रजापिता को बच्चों का संग का रंग जास्ती लगता है, वाइब्रेशन के आधार पर बच्चे चारों तरफ से याद कर रहे हैं, दृष्टि के आधार पर भी याद कर रहे हैं, वाचा के आधार पर भी याद कर रहे हैं, देह के इंद्रियों के मिलन के आधार पर भी याद कर रहे हैं। तो बाप का जो है वो ज्यादा संग का रंग लगता है, बाप को ज्यादा संग का रंग बच्चों का लगता है, बच्चों को लगता है, बच्चों का लगता है, या बच्चों को ज्यादा संग का रंग लगता है बाप का या बच्चों का? ज्यादा संग का रंग किसको लगता है? 500 करोड़ बच्चे हैं, चलो अभी बच्चे नहीं बने हैं, जो बने हैं तो उनका संग का रंग लग रहा है ना। तो जिसको जास्ती संग का रंग लग रहा है उसकी अवस्था भी तो ऊंचे ऊंची। बाप में तो योग का पावर है। हाँ, योग की पावर है, लेकिन नहीं कर देगा, लेकिन करेगा तभी तो कि बिना करे हो जाएगा? हाँ, करेगा तभी होगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़े, तो पुरुषार्थ करने की बात है, बिना करे कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी बच्चे हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं और उनका ढेर का ढेर संग का रंग लग रहा है, लेकिन एक दांत मिली हुई है, क्या क्या दांत मिली हुई है? कि वो जब याद करेगा या ईश्वरीय सेवा में लगा रहेगा तो उसका संग का रंग जल्दी जल्दी उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप किसको ज्यादा याद करते हैं? सर से बच्चों को याद करते हैं, तो सर से बच्चों में सबसे अव्वल नंबर कौन होगा फिर? वो सबसे राम कृष्ण की आत्मा है, सर्वसेवल में सबसे आगे है। तो राम वाली आत्मा जब सर्वसेवल में सबसे आगे है तो बाप की याद की छत्र छाया उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबसे जास्ती याद की छत्र छाया किसको मिलेगी? राम वाली आत्मा। वो ही त्रेता युग में दिखाई गई है छत्र छाया। लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया नहीं दिखाई है त्रेता में, राम वाली आत्मा को छत्र छाया दिखाई गई। राम बाप का कुछ है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को पार ले जाने का जिम्मा है प्रजापिता का। तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तब तक उसे चलना पड़े। पुराने कैसेट में कहा है आगे चलकर बाबा महारथियों से ही मिलेगा। तो महारथियों से मिलेगा ये कहा? जो क्रोध करने वाले होंगे उनसे बाप दादा नहीं मिलेंगे, और क्रोध करने वालों में काम कान से जरूर होगा। पर एक चीज़ है, वही मातालोक ने कहा है बाप क्षेत्र तक पढ़ाएगा, क्षेत्र तक पढ़ाएगा। वो सबका अलग अलग है। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो जीना किस बात में? नहीं, देवान में जीना। जो जब तक देवान में जिंदा है तब तक उसे ज्ञानामृत पीना ही पीना है। तब प्रैक्टिकल पे बैठ कर पढ़ाएगा या सीढ़ियों के रूप में पढ़ाएगा? पढ़ाई तो कैसे भी होती है, पढ़ाई जो है चेहरा देखने से भी पढ़ाई हो जाती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का अव्यक्त चेहरा उनके फॉलोअर्स के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है,
तो पहचान लेते हैं ये हमारा ये है। ऐसे ही संसार के अंदर जो बाप होगा, विश्व पिता होगा, उसकी अव्यक्त स्टेज ही उसको प्रत्यक्ष कर देगी, बोलने की देखने की भी दरकार ही नहीं। उस समय के लिए ये गायन है, एक सेकंड की दृष्टि के लिए तरसेंगे। मिलेगा ना? और सर्व सेवल भी तो भांति भांति के होते हैं, कोई दिखावा करने के लिए सर्व सेवल होते हैं, दिखावा बहुत करते हैं लेकिन वास्तव में डिसर्विस करते हैं। है बच्चे जितने भी हैं वो एडवांस पार्टी वाले बीज रूप स्टेज वाले हैं। बीज रूप स्टेज वालों के कनेक्शन में आते ही वो आत्मा बीज रूप बन जाती है। गुलजार दादी बीज रूप स्टेज वाली नहीं है, हो सकता है वो सातवा नारायण नारायणी की स्टेज वाली हो। तो यही वजह है कि एडवांस की आत्माओं में अगर मम्मा पापा प्रवेश करते थे ना, हाँ जी, तो ये आत्मा है कोई मंदिर में नहीं आती। क्यों मंदिर नहीं आएगी? यानी हिलना डुलना या झटका लगना ये सब। बीज रूप स्टेज का प्रभाव उनके ऊपर जल्दी पड़ जाता है, उनका सूक्ष्म शरीर खलास हो जाता है। उनकी अकेले की बात क्या है, और भी जो भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं एडवांस वालों में, उनके लिए ही बोला है कि इन आत्माओं का उद्धार कहाँ से होगा? तुम बच्चों के द्वारा इनका उद्धार होना है। कैसे उद्धार होगा अगर उनकी बीज रूप स्टेज नहीं बनेगी तो? होगा है अष्ट देवों में ब्रह्मा की प्रवेशता, हाँ हो सकती है। तो फिर अष्ट देवों में दूसरा मन का जो सूर्यवंशी का माँ है, उसमें ओम सरस्वती का प्रवेशता होती है, वो भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रवंशी चंद्रवंशियों का बीज है। जो चंद्रवंशियों का बीज है उसमें ओम राधे की प्रवेशता हो सकती है। हाँ जी, और वाणी और मुरली का अंतर क्या है? अव्यक्त वाणी जो है वो देवता की आत्मा चला रही है, और मुरली भगवान की आत्मा चला रही है। मुरली जो चलाने वाली आत्मा है वो भगवान है, ज्ञानी ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य, वो ज्ञान के ही पॉइंट बोलता है। और जो देवता बनने वाला है वो दैवीय वाणी चलाता है, माने गुणों वाली वाणी चलाता है, धारणा के पॉइंट सिखाता है। तो सारी अव्यक्त वाणी धारणा से भरी हुई है, ज्ञान के पॉइंट उसमें नहीं है। ये अंतर है खास। बाकी ऐसा नहीं है कि मुरली के किसी भी पॉइंट को अव्यक्त वाणी काटती हो, नहीं तो दो व्यक्तियों के वर्षंश में कोई न कोई वाक्य ऐसा आता है जो एक दूसरे को काट देता है। लेकिन अव्यक्त वाणी और मुरली की ये खासियत है, अव्यक्त वाणी का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, मुरली का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो अव्यक्त वाणी या मुरली को काटता हो, क्रॉस करता हो, विरोध करता हो।